जो जानवर है हमारे सभी गाय भैंस सभी के ऊपर एक समस्या आई हुई, हाँ जो रोग आया हुआ है उसका क्या नाम है? लंपी, लंपी आया हुआ है बराबर। तो जो लंपी वायरस है उसके चपेट में बहुत सारी गाय आ गई है, बहुत है। तो आपकी गाय में कुछ ऐसा दिखा? नहीं अब तक तो नहीं दिखा है कुछ। तो आपने एक बात बताई हमें कि आपके पास वाली जो और गाय है उनको तो आया था? आया था। आपको नहीं आया? उनके बछड़े को आया है। अच्छा, बछड़े को मिलता है चालू था क्या? नहीं मतलब इसी का बछड़ा है उसको आया है समस्या, लंपी की समस्या दिखी है पर इसको नहीं दिखी। इसको नहीं दिखी तो इसको मिलचार्जर पहले से शुरू है? शुरू है। ओके, और बछड़े को मिलचार्जर नहीं दिया है? नहीं दिए। ओके, और साथ वाली गाय को भी मिलचार्जर दे रहे? दे रहे। ओके, मिलचार्जर से अगर गायों को अंदर से स्ट्रांग करते बराबर उसकी इम्यूनिटी पावर डेवलप करते हैं तो समस्या नहीं आती? नहीं आएगी। ओके, और क्या क्या आपको बदलाव और इसमें दिखे? इसमें दूध दूध बढ़ा है, फैट भी बढ़ा है। ओके, इसकी मलाई भी ज़्यादा आती है। अच्छा, ओके। और दूध कितना बड़ा आपका? 1 किलो के आसपास होगा। मतलब पहले कितना देती थी? पहले 2 किलो है, अभी 3 किलो दे रही है। पहले 2 किलो देती थी, हाँ अभी 3 किलो दे रही है। हाँ, एक गाय में 1 किलो दूध बढ़ा है? बढ़ा है, मतलब 1 लीटर बढ़ा है? 1 लीटर। ओके ओके, ये हरा घास खाती थी तो पतला गोबर करती थी, अभी एकदम टाइट गोबर करती है। तो जब हरा घास खाती थी अभी भी हरा ही घास खाती है? अभी भी हरा घास खाती है। तब जब मिलचार्जर नहीं था तब पतला गोबर था? बीच में 5 दिन बंद कर दिया तो वापस पतला स्टार्ट कर देगी। अच्छा, मतलब मिलचार्जर शुरू करते तो एकदम अच्छा टाइट गोबर आता है और गाढ़ा आता है? गाढ़ा आता है। और मिलचार्जर बंद करते तो पतला आ जाता है? अच्छा अच्छा। को मिलचार्जर नहीं था तब बच्चे दूध पीते थे? पीते थे मगर टेस्ट ही थोड़ा कम था। टेस्ट कम था, हाँ। अब इस बार क्या हुआ है? इस बार मीठा दूध है। मीठा दूध है, हाँ। ओके, मतलब इस बार ज़्यादा पीते हैं बच्चे? ज़्यादा। ओके ओके, और ज़्यादा मतलब अगर हम हमेशा इसको देते रहेंगे तो अच्छा कोई समस्या आएगी नहीं? नहीं कोई समस्या नहीं आएगी। हम तो ये बताना चाहते हैं कि ये मिल्क चार्जर जरूर दे, क्योंकि हेल्थ अच्छी रहेगी तो बीमारी नहीं आएगी। बराबर, हाँ। मतलब मिल्क चार्जर का जो काम है वो बहुत बढ़िया काम है, बहुत अच्छा काम है। अब कितना देते हैं सबको? हमको इस 50 ग्राम किलो 50 ग्राम शाम को, वो 50 ग्राम शाम 50 ग्राम दे रहे हैं 100 ग्राम प्रति। ओके, और कैसे खिलाते हैं इसको? वो सुबह शाम धोते हैं, दूध धोते हैं उस समय देते हैं। दूध धोने के पहले कितने? हाँ। 1 घंटा, हाँ। ओके, किस में देते हैं? वही जो इसका बनाते हैं डाले का, हाँ, वो खली में आप डाल करके उसको खिलाते हैं, हाँ। किसान है जिनके गायों को लंपी का अटैक होता है तो उनको बहुत दुख होता होगा? बहुत दुख होता है। तो जो हमारी गौ माता है, ये गौ माता अगर बचती है तो हमारी खेती बचेगी, बराबर है? सही बात। तो सबसे पहले हमें ये काम करना जरूरी है कि अभी जो लंपी जो है उसको लंपी हटा और गौ माता को बचाओ, ये अभियान शुरू जो हमने किया है सही ज्यादा टेक्नोलॉजी के माध्यम से, बहुत अच्छा किया है जी। तो इसमें आप भी जुड़े हुए तो और भी सब किसान अगर इसमें जुड़ेंगे तो गौ माता हमारी बहुत ज्यादा मात्रा में बचेगी, बहुत बचेगी। तो गौ माता बचेगी तो ही खेती हमारी बचेगी, भू माता बचेगी, बराबर है? सही। आप मोहन लाल जी की माता जी है, हाँ। बराबर। तो ये जो गाय और वो गाय है वहाँ पे दिखाइए सर, ये दोनों गाय को मिल जाकर खिला रहे पाउडर? हाँ, पाउडर खिला दे। ओके ओके, दो टाइम खिला रहे, हाँ। तो इसमें क्या फायदा दिखा आपको? एक तो गोबर काटा करेगा, अच्छा। एक मिलाई ज्यादा आएगा, हाँ। एक दूध बढ़ेगा, अच्छा। इसमें दूध शरीर में ताकत आएगा, अच्छा। ताकत आया, हाँ। दूध बढ़ा, हाँ। और गोबर पहले कैसे करती थी? पहले पतला करती थी, अभी गाढ़ा हो गया, हाँ। ओके ओके ओके, मतलब अभी उसमें कुछ पहले समस्या थी? नहीं, पहले ये गोबर पतला करता, पतला करने की समस्या थी, सारो कम खाता है, हाँ। दूध कम देता है, हाँ। मिलाई कम आती, अच्छा। हमें हैंग ज्यादा आएगा, मिलाई ज्यादा आए, दूध ही ज्यादा आए, हाँ। गोबर ही ज्यादा करे, हाँ। शरीर में ताकत आता है, ये मिलचार्जर खिलाने के बाद, हाँ। शरीर में ताकत ज्यादा आ गई, हाँ। वो बहुत ज्यादा खवा लो, खाती भी ज्यादा, हाँ। दो टाइम देता रहना, अच्छा, हाँ। ओके, तो इससे फायदा हुआ आपको? हाँ, फायदा बहुत ज्यादा मिला। ओके, संतुष्ट है आप? हाँ।
ओके खुशी हो खुशी है खुश है ओके ओके ओके। तो फिर अभी ये दूध पहले जो मिल्क चार्जर में देते थे तब बालक दूध खाते थे इसका? हाँ बालक दूध खाते नहीं पहले खाते थे क्या? हाँ पहले कम खाते हैं ज्यादा खाते हैं। अब ज्यादा खा रहे हैं? अच्छा 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 मतलब मिल्क चार्जर से फायदा हो रहा है। हाँ ओके। सर जी अभी हमने आपके जो उधर वाली गाय है वो देखी, उसको मिल्क चार्जर चालू था, अभी ये दोनों को नहीं चालू था बराबर, ये तीनों को, तो इसको लंपी का अटैक हुआ है। अभी ये तीन और वो दो साथ में रहती थी बराबर, अभी आपने ये तीन इधर ला के बांध दिए, क्यों? क्योंकि इसको लंपी का अटैक हुआ बराबर। अभी ये हम यहाँ पे देख सकते हैं, अभी इसके पैर को भी है इधर और उधर, वो जो है उसके शरीर में अभी ठीक हो रही है बराबर। तो इसको समस्या आई थी, अभी ये तीनों को मिल्क चार्जर नहीं दे रहे थे आप बराबर, तो मिल्क चार्जर न देने की वजह से इनमें इम्यूनिटी कम थी, प्रतिकार शक्ति कम थी, इसकी वजह से इसको समस्या आई लंपी की, पर वो दोनों को कुछ समस्या नहीं आई। ओके ओके ठीक है सर। आपका नाम और पता बताइए। मेरा नाम मोहनलाल बालोत्रा। ओके हाँ, तो ये बालोत्रा में गाँव कौन सा है? बूढ़ीवाड़ा। बूढ़ीवाड़ा हाँ, बूढ़ीवाड़ा में अभी हम आए हुए। हाँ ओके, तो ये हम आपकी गाय जो देख रहे हैं, सही है, आपके पास ये एक गाय है और कितनी गाय है? एक और गाय, दो गाय, वो उधर एक गाय है। हाँ ओके, तो अभी ये गायों को आपने मिल्क चार्जर कब से देना शुरू किया है? एक महीने हुआ है। एक महीने से मिल्क चार्जर इसको दे रहे हैं? दे रहे हैं दोनों को। दोनों को दे रहे हैं? हाँ ओके। तो अभी ये राजस्थान में या पूरे भारत में हम जो समस्या देख रहे हैं, ये जो जानवर है हमारे सभी गाय भैंस सभी के ऊपर एक समस्या आई हुई। हाँ, जो रोग आया हुआ है उसका क्या नाम है? लंपी। लंपी आया हुआ है बराबर। तो जो लंपी वायरस है उसके चपेट में बहुत सारी गाय आ गई है। बहुत है। तो आपकी गाय में कुछ ऐसा दिखा? नहीं अब तक तो नहीं दिखा है कुछ। तो आपने एक बात बताई हमें कि आपके पास वाली जो और गाय है उनको तो आया था आपको नहीं आया? उनके बछड़े को आया है। अच्छा हाँ, बछड़े को मिल्क चार्जर चालू था क्या? नहीं, मतलब इसी का बछड़ा है उसको आया है समस्या, मिल्क लंपी की समस्या दिखी है। हाँ, पर इसको नहीं दिखी। इसको नहीं दिखी तो इसको मिल्क चार्जर पहले से शुरू है? शुरू है। ओके, और बछड़े को मिल्क चार्जर नहीं दिया है? नहीं दिया। ओके, और साथ वाली गाय को भी मिल्क चार्जर दे रहे? दे रहे। ओके, तो एक ही जगह पे सब रहते हैं, सब रहते हैं, फिर भी इसको कुछ समस्या नहीं है? कोई समस्या नहीं है उसको। आई आई। ओके, तो मतलब इसका मतलब ये है कि अगर हम मिल्क चार्जर से अगर गायों को अंदर से स्ट्रांग करते बराबर, उसकी इम्यूनिटी पावर डेवलप करते हैं, उसको समस्या नहीं आती? नहीं आएगी। ओके, और क्या क्या आपको बदलाव इसमें दिखे? इसमें दूध बढ़ा है, फैट भी बढ़ा है। ओके, इसकी मलाई भी ज़्यादा आती है। अच्छा बिल्कुल। ओके, और दूध कितना बड़ा आपका? एक किलो के आसपास होगा। मतलब पहले कितना देती थी? पहले दो किलो है, अभी तीन किलो दे रही है। पहले दो किलो देती थी? हाँ, अभी तीन किलो दे रही है। हाँ, एक गाय में एक किलो दूध बढ़ा है? बढ़ा है, मतलब एक लीटर बढ़ा है। एक लीटर। ओके ओके, और आपका गोबर की कुछ समस्या थी क्या? हाँ, वो ये हरा घास खाती थी तो पतला गोबर करती थी, अभी एकदम टाइट गोबर करती है। तो जब हरा घास खाती थी, अभी भी हरा ही घास खाती है? अभी हरा घास खाती है। तब जब मिल्क चार्जर नहीं था तो पतला गोबर था? बीच में पांच दिन बंद कर दिया तो वापस पतला स्टार्ट कर दिया। अच्छा, मतलब मिल्क चार्जर शुरू करते तो एकदम अच्छा टाइट गोबर आता है और गाढ़ा आता है? गाढ़ा आता है। और मिल्क चार्जर बंद करते तो पतला आ जाता है? अच्छा अच्छा अच्छा। ओके, और दूध के टेस्ट में आपको क्या बदलाव देखने को मिला? मीठा है। मीठा है हाँ, और पीला भी आता है। अच्छा ओके, और जब पहले आप इसको मिल्क चार्जर नहीं था तब बच्चे दूध पीते थे? पीते थे, मगर यह टेस्ट ही थोड़ा कम था। टेस्ट कम था हाँ। अब इस बार क्या हुआ है? इस बार मीठा दूध है। मीठा दूध है हाँ। ओके, मतलब इस बार ज़्यादा पीते हैं बच्चे? ज़्यादा। ओके ओके, और ज़्यादा मतलब अगर हम हमेशा इसको देते रहेंगे तो अच्छा, कोई समस्या आएगी नहीं? नहीं, कोई समस्या नहीं आएगी। ओके, तो आजू बाजू के किसानों को क्या बताना चाहेंगे? हम तो यही बताना चाहते हैं कि ये मिल्क चार्जर जरूर दे, क्योंकि हेल्थ अच्छी रहेगी तो बीमारी नहीं आएगी। बराबर हाँ, मतलब मिल्क चार्जर का जो काम है वो बहुत बढ़िया काम है, बहुत अच्छा काम है। आप कितना कितना देते हैं सबको? हमको इस 50 ग्राम सुबह 50 ग्राम शाम को, सुबह 50 ग्राम शाम 50 ग्राम दे रहे हैं, 100 ग्राम प्रति। ओके, और कैसे खिलाते हैं इसको? वो इस सुबह शाम दोते हैं, दूध दोते हैं उस समय देते हैं। दूध दोने के पहले कितने? हाँ, एक घंटा। हाँ ओके, किस में देते हैं? वही जो इसका बनाते हैं डाले का। हाँ
वो खली में आप डाल करके उसको खिलाते हैं। ओके ओके ओके। और जैसे कि हम अभी पूरा राजस्थान में घूम रहे हैं, हाँ, तो बहुत सारे गायों को लंपी ने अटैक किया हुआ, अटैक किया बराबर बहुत है। तो जो किसान है जिनके गायों को लंपी का अटैक होता है तो उनको बहुत दुख होता होगा, बहुत दुख होता है। तो जो हमारी गौ माता है, ये गौ माता अगर बचती है तो हमारी खेती बचेगी, बराबर है, सही बात। तो सबसे पहले हमें ये काम करना जरूरी है कि अभी जो लंपी जो है उसको लंपी हटाओ और गौ माता को बचाओ, ये अभियान शुरू जो हमने किया है स्वाहिल दादा टेक्नोलॉजी के माध्यम से, बहुत अच्छा किया है जी। तो इसमें आप भी जुड़े हुए तो और भी सब किसान अगर इसमें जुड़ेंगे तो गौ माता हमारी बहुत ज्यादा मात्रा में बचेंगी, बहुत बचेगी। तो गौ माता बचेगी तो ही खेती हमारी बचेगी, भू माता बचेगी, बराबर है, सही। ओके ठीक है, ठीक है सर, धन्यवाद। आपका जो अनुभव है बहुत बढ़िया है, इसी तरह आप जो आपकी गौ माता है उसको डेवलप करते रहे और उसका तंदुरुस्त बना के रखेंगे तो वो आगे जा करके किसी बीमारी के चपेट में नहीं आएगी। सर जी आप मतलब यहाँ पे किसानों को और जानकारी चाहिए हो तो आपका मोबाइल नंबर बता दीजिए, 8107222338। ओके धन्यवाद।